क्या है अभी फोर्स का फॉर्मूला? के हाँ क्यू दिव्यांशु, क्यू दिव्यांशु, नॉट। दिव्यांशु, एक सेकंड, हैंड रेस करेंगे। बिल्कुल आपने बता दिया रोड का, अब दिव्यांशु बताएंगे। दिव्यांशु ने हैंड रेस किया हुआ, बताओ भाई यस सर। सर किस चीज बताओ। का? अरे फिर हैंड रेस कैसे किया? पैरेलल का, एक्सियल वाला रोड सर का। एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन एल प्लस एक्स इंटू एक्स के क्यू क्यू नॉट क्यू नॉट अपॉन एल प्लस एक्स इंटू एक्स। सही है क्या सब? बताओ। यस सर। चलो यस पक्का? यस यस सर पक्का। आओ फिर इसके बाद का क्या केस था भाई? परपेंडिकुलर वाला तो बताओ, फोर्स की वैल्यू क्या आई थी? अच्छा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बताने की जरूरत है क्या? क्या लिखोगे इसी एक्सियल वाले के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखोगे? दिव्यांशु का तो हैंड रेज हो गया, बाकी सब कोई नहीं बता सकता इलेक्ट्रिक फील्ड। सरिता, सरिता बताएंगी। हाँ सरिता, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल प्लस एक्स होगी। एक्स इंटू एल प्लस एक्स, वेरी गुड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नोट। तो क्यू नोट से डिवाइड कर देंगे तो क्यू नोट से क्यू नोट मर जाएगा, तो सिर्फ क्यू नोट फॉर्मूले में नहीं आएगा। क्लियर है क्या सबको? एक सेकेंड यस सर। नोट करना। चलो नेक्स्ट, परपेंडिकुलर वाला केस कौन बताएगा भाई? हैंड रेज, हैंड रेज करो, हैंड रेज, हैंड रेज। हाँ जेसिका बताओ, बताओ। सर के क्यू नॉट लैम्डा वन एक्स इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा क्यू टू नॉट लैम्डा अपॉन एक्स इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा। सही है क्या ये फॉर्मूला? सब बताओ भाई, बताओ भाई। हाँ ना कुछ बोलो, यस थोड़ा सा हाँ आ रहा है। किसी को गलत लग रहा है तो हैंड रेस करो। हाँ चलो आगे चलते हैं। आओ इसके बाद कौन बताएगा? एक और केस भी था, अगर थीटा वन थीटा टू ना गिवन हो तो। तो सर के लैम्डा क्यू नॉट इनटू एल अपॉन एक्स इनटू अन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल बाय फोर। के लैम्डा क्यू नोट, क्यू नोट भी था क्या? अच्छा के लैम्डा क्यू नोट था क्या? थोड़ा सा सोचो, आगे बोलो, आगे बोलो। चलो जो है बोलो, जो तुम्हें लगता है इनटू बोलो। एल इनटू एल अपॉन यहाँ। हाँ यस फिर ठीक है, सी आगे आगे। अपॉन एक्स इनटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस प्लस एल, एक्स स्क्वेयर प्लस एल अपॉन फोर। एल अपॉन फोर। कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, बोलो। एल अपॉन फोर आएगा सिर्फ क्या? यस सर एक्स स्क्वायर प्लस एल अपॉन फोर का रूट एल स्क्वेयर अपॉन फोर, एक्स राइट? स्क्वायर। हाँ और इसको भी छोटा कर सकते हो क्या? कौन इसको छोटा करेगा इस फॉर्मूले को? थोड़ा सा बताओ, 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 बताओ। देखो हाँ विवेक, विवेक बताएंगे, बताओ। अरे इसका हो जाएगा के लैम्डा क्यू नॉट एल अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस एल। हाँ नहीं दोबारा से बोलो, दोबारा बोलो, क्या बोला? के के लैम्डा क्यू नॉट एल अपॉन में एक्स इंटू एक्स प्लस एल। वो तो ऊपर हो ही गया ना, देखो पैरेलल एक्सियल वाला। मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा छोटा करने के लिए कह रहा हूँ। लैम्डा की फॉर्म, लैम्डा ना आए इस फॉर्मूले में तो क्या आएगा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई का, गुड इवनिंग। पहले बताओ मुझे यहाँ पर बाकी सब, लैम्डा की जगह कुछ और भी आ सकता है क्या यहाँ पे? लैम्डा इंटू एल की जगह क्यू अपॉन एल क्यू अपॉन क्यू, लैम्डा इंटू एल क्या होता है? क्यू ना, तो के क्यू क्यू नॉट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाय। क्लियर है क्या ये केसेस सबको? यस सर। एक होमवर्क भी दिया था क्या हमने? यस सर। अच्छा पहले तो होमवर्क से पहले जो काम किया था वो बता देते हैं। इनफाइनाइट वायर का बताओ पहले तो मुझे, क्या था आंसर बताओ? कौन बताएगा? हैंड रेस करो, हैंड रेस, हैंड रेस। इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट रोड हो या वायर हो जिसपे लेंथ, बोलो 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 बोलो। अरे किसी को नहीं आता? हेलो हाँ
एक ही हाथ रेज है, केशव। हाँ बताओ केशव। टू के लैम्डा अपॉन एक्स। हाँ यानी ऐसे कर देते थे ना, थीटा 1 और थीटा 2 क्या हो जाता था दोनों 90 डिग्री, 90 डिग्री, साइन 90 प्लस 90 डिग्री। साइन 91 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा 2 के क्यू नोट लैम्डा अपॉन एक्स, ये तो हो जाती फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता सिर्फ 2 के लैम्डा अपॉन एक्स। इसको हमने खोल के और फॉर्म में ड्राइव किया था, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, यही लिखा था ना, यस याद आया सबको? जिसको याद आ गया सारा कुछ इसमें जो 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 पढ़ा था थम्स अप कर दो, जिसको याद नहीं आया वो हरी भजन करे बच्चे। ठीक है, जिसको याद नहीं आया वो हरी भजन ही करे। अब तो फिर हमने बोल दिया था कल ही पूछना था जो पूछना था, अब वो पर्सनली मैसेज करके पूछेगा क्योंकि अब रिपीट नहीं होगा ये। क्लियर है क्या सबको? यस सर, चलो चले आगे, यस सर। आओ। अब हमने रिंग का केस करते हैं बच्चे, ये भी हमारा क्या था, लीनियर वाला केस था, लेकिन अब बात करेंगे रिंग की। रिंग में ऐसा क्या होता है सर? अब रिंग का केस रह गया था ना हमारा, अभी हमने आज हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरा खत्म कर देंगे, चाहे फील्ड हो चाहे फोर्स। क्लियर है? दो ही केस ज्यादा आते हैं इसमें, फील्ड एक तो रिंग का और एक ये जो रोड का था। और रिंग के करते ही जस्ट जैसे ही रिंग का खत्म होगा हम इसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन देखेंगे, हैं वो डेरिवेशन बेस्ड ही बट हम उसका फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे आज। चलो ये रिंग दिख रही है सबको, यस एवरीबडी कैन सी इट, है ना? सर। अच्छा मैं कर तुम अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाना चाहूँ ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने मैंने शेयरिंग ऑफ किया बच्चे, मैंने मैंने ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। यस सर। देखो मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको, यस सर। यस रही है? सर। यस सर। ठीक है, आप देखो यहाँ पर पहुंच गए हम, ये रिंग वाली स्लाइड पे पहुंच गए, दिख रही है? यस सर। चल यस सर। अब थोड़ा सा ना एंगल समझा करो, फिजिक्स में जो डायग्राम्स आते हैं ना तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करते हैं बच्चों को। अगर मैं रिंग को सामने से देखूं तो रिंग मुझे ऐसे दिखेगी ना, राइट? भाई अगर किसी छोटी सी रिंग को सामने से देखूं तो ऐसे दिखेगी या नहीं दिखेगी, बताओ, यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ, जैसे यस सर। मेरा मेरा कड़ा ना गुम हो गया एक्चुअल में, वरना मैं कड़े से ही दिखाता था। ठीक है, अगर किसी रिंग को मैं ऊपर से देखूं तो वो कुछ ऐसे नहीं दिखेगी, ये जो सही साइड में बना रखी है, अगर मैं थोड़ा सा सही करके बनाऊं तो, यस सर। अगर मैं सही करके दोबारा से बनाऊं तो देखो 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 देखो, ये ऊपर ये सामने से होगा सर, ऐसे दिखेगी ना सामने से, जल्दी जल्दी बताओ, यस और नो? सारे माइक ऑन करके। अरे यस सर। यस सर। पिज्जा नहीं खाने चले जाना कोई, पहले देखो मेरी बात याद। ठीक है, अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो कुछ ऐसे नहीं दिखेगी सर, ये देखो, अगर मैं इसको ऊपर से देख यस रहा हूँ सर। रिंग को, देखो ऐसे नहीं दिखेगी, यस सर। सामने से देखूंगा तो यस वैसे, सर। और लेफ्ट से देखूंगा तो कुछ ऐसे दिखेगी, यस सर। राइट से यस देखूंगा तो भी ऐसे सर। दिखेगी, ऐसे यस लेफ्ट से ऐसे, राइट से ऐसे, यस सर। ऊपर से ऐसे, नीचे से भी देख लो झुक के ऐसे। क्लियर है क्या? अब जो मैंने नीचे बनाया हुआ है व्यू ये वाला, ये कौन सा व्यू है बताओ? लेटरल लिटरल? हाँ मतलब कहाँ से देख रहा हूँ, ऊपर से या नीचे से? हॉरिजॉन्टल है ये, हाँ हॉरिजॉन्टल है बट बताओ ऊपर से देख रहा हूँ या नीचे से देख रहा हूँ? ऊपर से हाँ वेरी गुड, देख रहा हूँ ऊपर ऊपर से से। देख रहा हूँ सब। क्लियर है ना सबको ये बात? यस सर। यस सर। ये सामने हो जाता, ये थोड़ा सा ऊपर कर दिया इसको ताकि तुम्हें साफ दिख जाए, है ना? क्या मैं थोड़ा सा नीचे यस करके सर। बना रहा हूँ ताकि हम इसकी रेडियस वगैरह सब शो कर, किसी को कोई डाउट नहीं होगा बच्चे अब। नो सर। चलो नो नो सर, सर। नो सर। अब हम इसको खोलते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर भी बना देते हैं, कल को दिक्कत हो जाए तो एक एक्स्ट्रा भी हो। चलो सर ये जो रिंग लेंगे हम, ये हॉलो होगी? हाँ, रिंग तो होलो ही होती है बच्चे, है ना? रिंग के अंदर क्या होता है, खाली डिस्क होलो नहीं होती, डिस्क। ठीक है यस सर।
चलो चले आओ, क्या बना दिया सर इतना अच्छा। अच्छा देखो अब यहाँ पर क्या है सर, ये रिंग का क्या होता है सर, ये रेडियस क्या रेडियस। है ना, रेडियस। अब कोई ये तो नहीं कहेगा ना सर ये रेडियस ऐसा नहीं है सर, एक्चुअल में ये ऐसे पड़ी है ऐसे, तो ये रेडियस ये वाला है, ऐसे दिख रहा होगा ठीक है। ये ऊपर से नहीं होगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा, तो तभी तुम्हें छोटा, ये मत कह देना सर ये तो छोटी सी लेंथ है ये रेडियस कैसे हो गई, समझ में आ रहा है। ये 3D में है, मेरा कड़ा गुम हो गया पर मैं तुम्हें दिखा, अरे क्या बात है, ये देखो ये ऐसे पड़ी है सर, दिख रहा है ऐसे ऐसे। यस तो ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस, क्लियर है। अब इस रिंग की वजह से मेरे को इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, निकाल लेंगे क्या, आसान होगा क्या, बोलो हाँ ना। यस सर, आसान होगा। हाँ आसान होगा सर, यस सर आसान होगा। जेड डिस्टेंस जो भी पढ़ा है ना उससे तो बहुत आसान है। जेड डिस्टेंस ऊपर चले जाओ, यहाँ पर एक चार्ज रख दो क्यू नोट, और इसी वजह से क्या निकालना है यहाँ पर हमने, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है क्या। यस प्रॉब्लम समझ में आई हमने क्या सर। करना है, प्रॉब्लम सबको समझ में, जिसको प्रॉब्लम समझ में आ गई है थम्स अप कर दो फटाफट। एक रिंग है सर, रिंग से जेड डिस्टेंस ऊपर यानी ऐसे, सेंटर से उससे जेड डिस्टेंस ऊपर यानी मेरा जो हाथ है जहाँ वहां पर क्यू नोट, मेरी जो फिंगर की टिप है वहां पर क्यू नोट रखा हुआ है इस रिंग से सेंटर से जेड डिस्टेंस यानी ब्लैक पेन की दूरी पर, क्लियर है बोलो हाँ ना। अरे यस बोल सर, दिया करो भाई, क्लियर है। यस आवाज आ रही सर, है मेरी, थक यस सर, जाऊंगा मैं। यस सर, अरे मेरी आवाज आ रही है सबको, यस सर, हाँ जी यस सर, सर। सबको मेरी आवाज आ रही है बच्चों, हाँ जी यस सर, आ रही है सर। सर। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। नेटवर्क में एरर आ रहा है क्या बच्चों, आवाज मेरी सबको पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, थम्स अप सर करो जिसे जिसे क्लियर आ बन रही रही हो। है सर, आ रही है सर, आ रही अच्छा आ रही है। यस चलो ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ में आ गई, स्टार्ट कर रहे हैं अब चलो। और यहीं से देखना चाहो तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, इसी को ही थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। चलो आर्क वाला तो केस हम बाद में करेंगे, अभी ये वाला करते हैं सर। अब इससे जेड डिस्टेंस ऊपर जाना है मेरे को, और जेड डिस्टेंस ऊपर क्या रखा हुआ है सर, चार्ज क्यू नोट रखा हुआ है, इसकी वजह से फोर्स देखनी है। तो क्या करेंगे सर, ये चार्ज ऐसे कुछ फैला हुआ ना इस पे, जैसे हमेशा फैला होता है। अभी बच्चे ने बोला रिंग अंदर से कैसी होती है बच्चे, हेलो सारा हेलो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसकी लेंथ पे, बाहर वाली लेंथ सरकमफ्रेंस मतलब, हाँ वेरी गुड, लेंथ मतलब इसकी सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस चलो भाई ये तो हो गया क्लियर। अब इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्यू नेट पर फोर्स निकालना है, तो अगर इस रिंग पर टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके लिए लैम्डा लिखूंगा ना, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू पाई आर क्या लिख आर आर, क्योंकि इस केस में लेंथ क्या है, टू पाई आर, वैसे ये लिखते हो ना क्यू अपॉन एल, तो रिंग के केस में लेंथ क्या है, टू पाई आर उसकी सरकमफ्रेंस। चलो अब देखते हैं सर, सर पहला अप्रोच याद रख लो बच्चे, जिसको अप्रोच याद है वो क्वेश्चन खुद ही कर लेगा। इंटीग्रेशन तो इसमें इतना खत्म सा इंटीग्रेशन यूज होगा ना, तुम पता ऐसे कहोगे क्या है ये सर, ठीक है। तो बताओ मुझे कि क्या करेंगे, सबसे पहला अप्रोच क्या होता था हमारा, एक छोटा हाँ स्मॉल चार्ज लेंथ काटे। हाँ अब स्मॉल चार्ज कहाँ काटू सर, वैसे तो वो सेंटर से किसी एक एंगल पर काटते थे, सपोज करो मैंने यहाँ पर काट दिया, ये जो चार्ज हुआ ये मेरा क्या हो गया, डी क्यू। मैं कोशिश करता हूँ ना हर बार कि एंड पॉइंट पे काटू ताकि सिमिट्री उसके सामने वाला भी देख सकूं कि उसकी सर। वजह से क्या, हमेशा लगभग एंड पॉइंट के आसपास काटता हूँ या थोड़ा सा पास में उसको, सर्कल में हो तो याद रखना एंड पॉइंट्स पे काट दिया करो ज्यादातर। तो यहां से कितनी डिस्टेंस, देखो ये डी क्यू चार्ज, ये इसका चार्ज का वैल्यू कितना होगा, डी क्यू, क्योंकि डी क्यू छोटा सा चार्ज है। अच्छा और सर ये कहाँ, अब जैसे अगर मैं रोड लेता तो रोड पे तो मैं बता देता ना ये एक्स डिस्टेंस ऊपर मैंने या वाई डिस्टेंस ऊपर मैंने एक डी क्यू चार्ज काटा है जिसकी लेंथ हो जाती है डी वाई, इस केस में ये कितने डिस्टेंस पे काटा हुआ है,
खुद बताओ, आर डिस्टेंस पे, वेरी गुड, सेंटर से आर रेडियस आर डिस्टेंस पे काटा हुआ, तो इसकी कुछ लेंथ, उसकी कुछ लेंथ भी होगी ना, ये पर्टिकुलर ये छोटी सी लेंथ कितनी होगी, वो कैसे निकालूंगा, वो भी निकाल सकता हूँ, ये कुछ ऐसे काट सकता हूँ, इतनी लेंथ का होगा ना, देखो ध्यान से देखो, ये लेंथ है ना पक्का, जैसे इसकी लेंथ कितनी थी डी वाई, छोटी सी लेंथ डी वाई, ऐसे इसकी लेंथ कितनी है बच्चे, ये निकालनी है ना मेरे को, वैसे ये दिख रहा है ना सबको, इतनी सी लेंथ है छोटी सी, अगर मैं इसको वाइट से दिखाऊं तो, इतने छोटी सी लेंथ पे हमारे पास क्या फैला हुआ है, चार्ज डी क्यू, क्लियर है सबको? यस सर, देखो कोई डाउट, तो सर ये एंगल मैं मान लेता हूँ एक बारी के लिए, ये एंगल क्या मान लो सर, ये एंगल आप मान लो डी फाइव या डी थीटा, कुछ भी मान लो, मैंने डी फाइव बोल दिया, ये एंगल मान लिया बच्चे मैंने डी फाइव, क्लियर है क्या सबको, बोलो यस सर, इस डी फाइव, हालांकि मेरे को थोड़ा सा और सही बनाना चाहिए इसको ताकि तुम्हें सबको समझ में आए अच्छे से, ओ भाई जो वो बच्चे हैं क्या नाम है पिज्जा वाले, इधर देख लेना, मिस मत कर देना, तो डी फाइव एंगल, हाँ डी फाइव एंगल है सर, ठीक है, डी फाइव एंगल पर मैंने एक चार्ज काटा डी क्यू, ठीक है सर, उसके बाद अब इस क्या, अब क्या करता था नेक्स्ट स्टेप, तुम करोगे ग्रेडिवेशन, मैंने तो छेड़नी भी नहीं, चाहे 10 मिनट लग जाए चाहे 15 मिनट लग जाए, तो अब क्या करता था बताओ बताओ बताओ, सेकंड स्टेप क्या हुआ करता था? सिर्फ एक ही बच्चा है क्या क्लास में केशव, और कोई नहीं है क्या? नहीं सर हम भी हैं। तो बताओ इसके बाद क्या करते थे डी क्यू चार्ज काट के, फिर अगली बार हम केशव कोई लिंक भेज देंगे सिर्फ मीटिंग का, वही आके पढ़ लेगा, बताओ बताओ डी क्यू का चार्ज काटने के बाद क्या किया था सर हमने, डी क्यू से क्यू नॉट पे एक फोर्स इस डायरेक्शन पे, हाँ वेरी गुड, किसने बताया ये, जेशिका, हाँ देखो डी क्यू से क्यू नॉट पर क्या निकालते थे, फोर्स निकालते थे, तो बताओ कहाँ पर, ये है तो पॉजिटिव चार्ज, अपने से कहाँ फेंकेगा, अपने से दूर या पास, अपोजिट में, अपोजिट में, हाँ दूर, हाँ तो कुछ ऐसे फेंकेगा राइट, तो इस फोर्स को क्या बोल दू डीएफ, क्लियर है क्या, अब एक एंगल बन गया सर, इस एंगल को कुछ बोल देते हैं, हमारे को पता है एंगल को हम ज्यादातर थीटा बोलते, तो इसको थीटा बोल दिया, क्लियर है क्या, डन, यस सर, बढ़िया सर बढ़िया, अब एक बात बताओ मुझे, अब इसके बाद क्या करते थे सर, डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस लेते थे, वेरी गुड, इस डिस्टेंस को मान लो आर, ये तुम्हें पता ही है डिस्टेंस क्या है, दोनों आर ही है ना, चलो रेडियस है, और इसके बाद भी कुछ करता था क्या डीएफ निकालने के बाद, अभी डीएफ पूरी तरह निकला है क्या, देखो क्या हो रहा है, सर वेक्टर में तोड़ते थे, वेक्टर में तोड़ते, अभी इसको देखते हो बिल्कुल, अभी इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे, वेक्टर में नहीं तोड़ेंगे, क्या बोलेंगे इसको, कंपोनेंट में तोड़ेंगे, तोड़ देंगे, फीलिंग समझा करो ना, हम वेक्टर ही मतलब हमारा वही होता है, लेकिन गलत हो जाएगा ना, तो क्या है दो कंपोनेंट इसके बताओ, df yes, ये वाला yes, क्या होगा, ये वाला कौन सा cos थीटा होगा, कौन सा sin थीटा होगा, फटाफट बताओ सर, ऊपर वाला cos थीटा, नीचे वाला sin, वेरी गुड, ऊपर वाला cos थीटा, नीचे वाला sin, चलो क्लियर है, अब सर, अब सर अभी भी कुछ होता था क्या सर, मेरे को बताओ सर, सर मेरे को बताएंगे ये ऊपर वाला cos थीटा कैसे आया, अच्छा हमने अभी के लिए तो ये देखो कर तो तुम सकते हो, प्रूफ भी कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन अभी के लिए ये याद रखो कि जो थीटा वाली साइड है वो हमेशा cos थीटा का कंपोनेंट होता है, जिस साइड थीटा बन रहा होता है, तो थीटा इस साइड बन रहा है ना अब, तो थीटा वाला साइड हमेशा क्या होता है df cos थीटा, अगर मान लो ये होता तो थीटा df cos थीटा कौन सा होता बताओ, ये वाला, क्लियर है, और ये क्या होता है, अभी के लिए ये दिमाग में रखो, चलो आगे और बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया क्या, अब क्या चेक करते सर, ये डी फाइव वाला बता दो मेरे को, क्या बताने भाई बताओ, सिमेट्री सर, डी फाइव तो बच्चे एक एंगल लिया, बस मैंने देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि भाई यहाँ से ये चार्ज काटा मैंने डी क्यू, वो सेंटर से
और ये कितनी लेंथ होगी, इसके लिए मैंने देखा कि सेंटर से कितना एंगल बना रहा है। इसको क्यों बताया मैंने सेंटर से कितना एंगल बना रहा है, वो तुम्हें थोड़ी देर में पता लगेगा। ये सेंटर से एंगल बना रहा है, मान लो डी फाई, समझ रहे हो? ये चार्ज अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं, इसी चीज को बड़ा करके दिखाऊं, ये मैंने चार्ज काटा सपोज करो डी क्यू, ठीक है, और ये मेरा सेंटर था रिंग का, तो ये कितना एंगल बना रहा है, वो डी क्यू डी फाई है। दिख रहा है क्या आप बड़ा बड़ा सबको? मेरे पास रेडियस हो गया, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर तो नहीं लगाओगे? वही लगाएंगे भाई, वही लगाएंगे, ठीक है। चले आगे, यहाँ तक क्लियर है क्या? अभी तो सिमिट्री चेक करता था कि बॉडी में सिमिट्री भी है या नहीं है, मेरा कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर ये चेक करना है कि कोई कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? कैसे पता लगेगा कि कोई कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा? दिमाग के घोड़े दौड़ाओ भाई, दूसरे पॉइंट्स में बनाएंगे। हाँ, एक और पॉइंट चार्ज काटूंगा ना, तो इसके जस्ट सिमेट्रिकली काटना है तो पता लगेगा ना तभी। तो यहाँ पर काट दूं क्या वो डी क्यू एक और, तो इसकी वजह से, इसकी वजह से फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में आएगी क्या डी एफ? बोलो हाँ या ना। यस हाँ या ना। मैं इसको कलर अलग से बना दूं क्या? ये ऐसी कुछ डी एफ देगा क्या? राइट, क्लियर है? ये भी अगर एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ऊपर वाला कंपोनेंट इसका d cos थीटा, ये वाला कौन सा हो जाएगा df sin थीटा। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। वाले दो कंपोनेंट आ गए अपने पास, ये cos थीटा एक, ये cos थीटा दूसरा, दो, एक ग्रीन वाला है और एक व्हाइट वाला है, दोनों क्या है df cos थीटा। और कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, कौन सा ऐड हो रहा है, फटाफट बताओ। साइन वाला कैंसर हो रहा है, कोस वाला ऐड हो रहा है, तो डी एफ नेट किसके इक्वल रख दूं? इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कोस थीटा। वेरी गुड, डी एफ कोस थीटा। क्लियर है क्या? डन। हमने अभी तक कुछ नहीं छेड़ा भाई, तुम नहीं करे जो करे। एफ नेट किसके इक्वल है? इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, बोलो बोलो, df cos थीटा, df cos थीटा। अभी ये समझ में आ गया, अब किसकी वैल्यू पुट करनी है? सिर्फ d f की कर दो। f का होता है अगर k q1 q2 upon r square, तो df की जगह क्या लिख सकता हूँ फटाफट बताओ? k की जगह k, q1 की जगह क्या लिखूंगा? कौन से दो चार्ज इन्वॉल्व हैं? dq और q0। dq, dq और दूसरा q0, q0 अपॉन, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर, वेरी गुड, ऐसे ही बोला करो, स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर रेडियस नहीं है, ठीक है। अब डी क्यू की वैल्यू पुट कर ही देते हैं सर, इतना बड़ा डायग्राम बना ही दिया, डी क्यू को अभी इस डायग्राम से देख लो। सर डी क्यू की वैल्यू पुट करनी है तो क्या होता है वैसे? लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? डी क्यू बाई डी एल। डी क्यू तो चलो ठीक है, DL की जगह स्मॉल लेंथ, ये पर्टिकुलर स्मॉल जो लेंथ है ये कैसे किसके इक्वल होगी बताना मुझे? ये छोटी सी अगर आर्क हो तो उसको स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं, तो ये आर्क किसके इक्वल होगी, कैसे निकालेंगे? क्या होता है फॉर्मूला, किसी को याद हो तो? पैरेलेक्स इक्वल टू आर अपॉन डी रेडियस, सबको याद है क्या ये फॉर्मूला? बोलो। हां जी सर। पैरेलेक्स में करते थे ना, पैरेलेक्स में भी ऐसा फॉर्मूला यूज किया था तुमने। तो ये अगर डीएल है, इस आर्क को डीएल बोल रहा हूँ, आर्क का मतलब डीएल, ये निकालनी है। रेडियस कितनी है इसकी बताओ? कैपिटल आर। एंगल थीटा की जगह क्या बन रहा है यहाँ पर? डी फाई। डी फाई, तो डीएल का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे? आर डी फाई। क्लियर है क्या सबको? देख लो अच्छे से, देख लो, एक ये स्टेप लिया है बस, DL is equal to RD5, तो DF is equal to K, DQ की जगह क्या लिख दिया? अच्छा यहाँ पर L, DL की जगह क्या लिख दूँ? RD5, तो अब बताओ DQ की जगह क्या लिख सकता हूँ? बताओ 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 बताओ, DQ की जगह क्या लिख सकता हूँ? Lambda into RD5। Lambda into, किसने बोला ये बात? Lambda into RD5, कौन हैंड रेस करो? हाँ, लैम्डा इनटू आर डी फाइव। क्लियर है क्या सबको?
जिसको क्लियर नहीं है एक बार पूछ लो, ये थोड़ा सा नया आया होगा तुम्हारे लिए, लेकिन अब एक बार दिमाग में आ गया ना तो अपने बात का पता लग जाएगा तुम्हें, सर्कल हो रिंग हो हमेशा लेंथ एलिमेंट की वैल्यू क्या आएगी, dl इज इक्वल टू आर डी फाई, और कैसे निकालते मैंने बता दिया। डन है बच्चों सबको? डन है, डन है, क्लियर है? हाँ बताओ, क्या बताऊं दोबारा से? देखो हमने क्या पढ़ा, ध्यान से देखो, हमने क्या निकाला, हमारे पास ये थी ना फोर्स की वैल्यू, थी ना हमारे पास फोर्स की वैल्यू थी बच्चे, ये df is equal to k d not upon r square, मैंने ये यहाँ पर पुट करनी है, मैं कहता हूँ पहले इसको सिंपलीफाई कर देता हूँ, k भी कांस्टेंट है, q not भी कांस्टेंट है, r तो चलो देख लेंगे, dq की वैल्यू पुट कर दो, dq क्या होता है, lambda is equal to dq by dl, यही होता है ना चार्ज पर यूनिट लेंथ। यस सर। तो चार्ज तो चलो dq हो गया, लेंथ कैसे निकालूंगा, ये छोटी सी लेंथ dl या आर्क बोल दो इसको, अगर बहुत छोटी है तो आर्क और स्ट्रेट लाइन से मानी जाएगी, अगर बहुत छोटा है तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया, थीटा इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, थीटा क्या है यहाँ पर सब बोलो, थीटा की जगह क्या यूज किया, आर्क की जगह है डीएल और रेडियस की जगह है आर, तो डीएल की वैल्यू क्या हो जाती है आर डी फाइव, तो डी क्यूब अपॉन डीएल की जगह क्या लिख दिया आर डी फाइव, तो ये पूरी चीज किसकी इक्वल है लैम्डा के, तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में आर डी फाइव, तो डी क्यू किसकी इक्वल आ जाएगा बच्चे बोलो बोलो, जिसने क्वेश्चन पूछा वही बताएगा, जिसने क्वेश्चन पूछा था वही बताएगा, डी क्यू किसके इक्वल आ गया अब इस फॉर्मूले से, लैम्डा इनटू आर डी, लैम्डा इनटू आर डी फाइव, क्लियर है क्या? तो बस अब वैल्यू एफ नेट की जगह आप क्या लिख सकता हूँ, डीएफ, डीएफ की जगह क्या लिखना था के, डी क्यू की जगह क्या है अपॉन आर स्क्वायर, यही है क्या, क्यू नोट तो रह गया, ओहो क्यू नोट रह गया क्या, सॉरी अब ठीक है क्या, यस यस सर, तो आ जाओ एक बारी यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं इसको ताकि हम सिंपलीफाई कर सके, के लैम्डा आर डी फाई कोस थीटा, बोलते रहना भाई मैं भूल जाऊंगा वरना, क्या लिखा था पिछले, के क्यू नोट लैम्डा आर डी फाई, यही सब था क्या, और कोस थीटा था शायद, यस सर कोस थीटा, फोन में क्या था बच्चे, आर स्क्वायर, चलो कोई बात नहीं, ये कहां से कहां था क्या बच्चे लिमिट इसकी, अब लिमिट के बारे में बाद में बात करेंगे, ये तो आ गया इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट, अब सर कुछ बताया था आपने, क्या था वो ये रूल था सर हमारा, अब तुम बताओ किसकी फॉर्म में करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, थीटा उसके बोलो ध्यान से, डायग्राम दिखाऊं क्या, डायग्राम वापिस तुम्हें वेरिएबल्स तो दिख ही रहे होंगे क्या क्या है, ठीक है तुम देख लेना खुद, पहले मुझे ये बताओ वेरिएबल क्या क्या है इसके अंदर, बताओ वेरिएबल कैसे चेक करते हैं, सबको पता है ना कैसे चेक करते हैं वेरिएबल बच्चों, जिसकी वैल्यू चेंज हो, हाँ मतलब कब कब किसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए थी, कंडीशन क्या थी, कब जब मैं एलिमेंट को जो मेरा चार्ज है वो अलग अलग, हाँ जो वैल्यू चेंज हो रही है जब मैं चार्ज को कहीं और काट रहा हूँ, जहां पर पहले काट रखा है उसके मुकाबले कहीं और काट रहा हूँ, कहीं और पे उसको ले रहा हूँ, तब जिस चीज की वैल्यू चेंज हो रही है वो मेरा वेरिएबल है, जिस चीज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही वो क्या है मेरा कॉन्स्टेंट। चलो फटाफट बताओ, चलो मैं पूछू क्या, रेडियस ऑफ रिंग कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल है, सर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट, अच्छा डी फाई कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल है, अलग हो जाएगी ना डी फाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऐसा कहीं यहाँ कहीं हो जाएगी, क्लियर है,
चेंज हो जाएगी सर, डी फाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी. और क्या रह गया, जेड, जेड कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल है? कॉन्स्टेंट है सर, सेंटर से क्यू नोट तक की डिस्टेंस, ये तो सेम ही रहेगा ना सर हमेशा, तो कॉन्स्टेंट है. और स्मॉल आर, सोच के बोल रहा, अब वेरिएबल है, वेरिएबल है. बस यही तो गड़बड़ कर देते हैं हम. देखो ये रिंग ऐसी पड़ी है, देखो ये रिंग ऐसी पड़ी है, ये मेरी टीम है, कांस्टेंट आ जाएगा. अगर मैं तुम्हें ऐसे दिखाऊं तो दिख रही है, दिखेगा रेडियस इक्वल, हां रेडियस तो नहीं है पर कांस्टेंट है. देखो ये दिख रहा है सबको, क्योंकि सर बीच से लिया हमने. हां तो देखो ये दिख रहा है ना सबको, यस सर. एक पे मोमबत्ती लगा रखी है ऐसा समझ लो, ठीक है. तो क्या है सर, ये रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास सर, रेडियस नहीं स्मॉल आर, ये हो जाएगा क्या? यस सर. देखो एंड पॉइंट से, एंड पॉइंट से मेरा चार्ज तक का डिस्टेंस यही होगा क्या? देखो यस सर, ब्लू वाला पेन है ना, तो चाहे वो यहां से लूं, चाहे वो यहां से लूं, चाहे वो यहां से लूं, क्या सेम नहीं होगा क्या हर बार सेंटर से? सेम ही होगा सर. हाँ तो आर क्या है बच्चे इस केस में? मतलब होता है तो, नहीं तो मैं सबकी वैल्यू पुट कर दूंगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, समझ में आ रहा है ना? क्या सर वेरिएबल क्या है? अच्छा थीटा की तो बात ही नहीं करी, थीटा की तो बात कर लो सर, थीटा, थीटा भी तो चेंज हो सकता है क्या? यस हाँ सर, थीटा तो चेंज हो सकता है क्या? पक्का? नो सर. सोच के बोलना सर, सेम ही रहेगा ना? नो सर. इधर 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 चलो, थीटा चाहे तुम्हें ना नहीं भी समझ में आ रहा ना थीटा कि चेंज होगा या नहीं होगा, थीटा की तो वैल्यू पुट कर सकते हो ना आर और जेड की फॉर्म में. यस सर. देखो यहाँ से कोस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, इसका झंझट ही मुकाते हैं. क्या होता है कोस थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है क्या? क्या लिखूं उसकी जगह? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. क्लियर है? स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर की तो वैल्यू उठ गई है ना, हाइपोटेन्यूज को स्मॉल आर है, इसकी जगह यही तो लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर प्लस बेस. तो कोस थीटा की जगह क्या पुट किया बच्चे? जेड अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. किसी को यहाँ इस पॉइंट में दिक्कत है तो हैंड रेज वरना थम्स अप फटाफट. क्लियर है सर. चलो खाली पुट कर दो फटाफट, जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले जाओ. के क्यू नॉट लैम्डा आर, कोस थीटा की जगह क्या पुट कर दिया? भूल गया. z अपॉन में अंडर रूट r स्क्वायर प्लस z अपॉन में अंडर रूट r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. ये तो हो गया cos थीटा की जगह, मैं इसको सर्कल कर दूं ताकि समझ में आए ये cos थीटा की वैल्यू उठ गई है. चलो नेक्स्ट, अंदर क्या रह गया? और यहाँ पे डिवाइडेड बाय और भी क्या आ सकता है? r का स्क्वायर, ये वाला. और अंदर क्या रह गया सिर्फ? d phi. यस और नो? आसान है, सिर्फ वैल्यूज ही पुट किए. अच्छा इस आर को भी लिख दो ना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्यों तंग हो रहे हो? सीधा ही लिख देना था हमें, हम भी सर इतना लंबा कर दिया. आर की जगह क्या लिख सकता था? अंडर रूट, बोलो, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर. और यहाँ पर है अंडर रूट, या अंडर रूट और इसका स्क्वायर भी है ना, यहाँ पर सिर्फ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कोई बात नहीं. तो नीचे क्या बन जाएगा? कंफ्यूज मत हो, ये लो स्क्वायर से रूट काट दिया. अब बताओ वन प्लस वन बाय टू क्या होता है? थ्री बाय टू. तो k q नोट लैम्डा r z अपॉन में r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर आ जाएगा अंदर. बच्चे जिसको भी दिक्कत है यहाँ तक कुछ भी पॉइंट में,
वो प्लीज मेरे से पूछ लो वरना कल नहीं बताऊंगा, आज जो पूछ लेगा तो आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाला। हाँ क्या बताऊँ, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाला। देखो आर क्या है, मैंने स्मॉल आर की वैल्यू पुट किया है, स्मॉल आर की वैल्यू क्या होती है? नहीं सर ए तो लग गया, पर ए जहाँ पे हमने 3/2 वैल्यू पुट की ए नहीं लगा मेरे को। देखो देखो आर स्क्वायर की जगह ये पुट कर सकता हूँ क्या? यस सर। और ये था ही पहले अंडर रूट वाला, राइट? यस सर। तो ये हो गई पावर वन और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यस सर आ गया। बस सर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी और इसकी पावर 1/2 है तो ऐड हो जाएगी। हाँ तो 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2। क्लियर है क्या? यस सर। चलो अंदर रह गया डीफाई। अब लिमिट्स भी किसकी फॉर्म में होंगी फिर? डीफाई मतलब अब मैं क्या, अब मेरा क्या अप्रोच रहती है कि डीफाई को चेंज करूं और क्या कवर हो जाए? पूरे रिंग पे कवर हो जाए तो बताओ डी फाइव की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर सकती है बताओ? सर 0 डिग्री से 360 डिग्री। वेरी गुड। और इसको उसमें बोलो रेडियन की फॉर्म में कैसे बोलोगे? 0 से लेके 2π रेडियन। 2π तक। क्लियर है क्या सबको? yes, भाई यहाँ काट लो पूरा एक 360 घूमोगे ना तो d5 की वैल्यू क्या हो सकती है मैक्सिमम 2π, मिनिमम 0 तो 0 to 2π। अब बता दो बस इंटीग्रेशन कर दो ये फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 k q0 λ r z। अच्छा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा डी फाई का इंटीग्रेशन होता क्या है ये नहीं बताऊंगा भाई। अच्छा भाई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1। इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ सही बोला किसी ने भी, पावर -1/-1। एक्स सिर्फ एक्स, सिर्फ एक्स भाई कहाँ पहुंच गए हो? मैं इतनी अच्छी चीजें करा रहा हूँ तुम यही भूल रहे हो। dy का इंटीग्रेशन क्या होता है? सिर्फ y। dz का क्या होगा? सिर्फ z। अरे छोटे 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 z को मिला दो तो पूरा z बन जाएगा, छोटे 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 y को मिला दो पूरा y बन जाएगा, छोटे 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 x को मिला दो पूरा x बन जाएगा, छोटे छोटे dy को मिला दो तो पूरा क्या बन जाएगा? π = f तो लिख ही दिया यहाँ पर। चलो अब वैल्यू पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो फटाफट। करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऊपर क्या लिखूं पहले? 5 की जगह 2π - 0 माइनस 0 को तो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अब इसको सोल्व कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको रीअरेंज कर दो, ये आ गया वैसे आंसर। तो f = k q0 λ, इसको ऐसे लिख दूं z लैम्डा 2π इंटू में r, लैम्डा इंटू 2π r, अब इंटू में z है ही, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर 3/2। बताओ क्या क्या चीज चेंज हो रही है? क्या इसको छोटा करो, मैंने तो साथ साथ कुछ लिखा है लैम्डा इंटू 2π r, क्या बन गया वो? क्यों? हाँ लैम्डा इंटू 2π r क्या होता है? वेरी गुड। क्या होता है? क्यों? अभी पीछे पढ़ के आए हो। हाँ ये देखो है ना, लैम्डा इंटू 2π r क्यू होता है। और जिसको ये समझ नहीं आता वो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दे q/2π r, तो भी 2π r से 2π r कट गया, ऊपर क्यू ही रह जाएगा। k q0 q (z)/z² + r² की पावर बच्चों क्या है? 3/2। क्लियर है क्या? रिंग का फॉर्मूला, ये हमारी रिंग का फोर्स का फॉर्मूला है। दोबारा बोल दो, k q0 z / r² + z² / 3/2। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बता दो, क्यों? क्योंकि q0 नहीं आएगा, बस बाकी सब सेम आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड = फोर्स पर यूनिट चार्ज।
ये क्यू नोट कैंसिल हो जाता है बस, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू नोट नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएगा। जिसको यहाँ तक कोई भी डाउट है कृपया करके पूछ लीजिए। एनीबॉडी? हाँ सारे सर, स्लाइड शो करना, लो लो ये लो। ओके सर, डन है क्या? सबको सबको समझ में आ गया? यस सर, कुछ भी अप्रोच ऐसी हो जो हमने पहले वाले मेथड में यूज, पहले वाले मेथड्स में यूज ना की और अब कर रहे हो, कोई भी ऐसी अप्रोच है कुछ? yes, भी sir. सब सेम है, कुछ सब सेम है, सिर्फ इसीलिए मैं इंटीग्रेशन बना रहा हूँ। अभी डिस्क का भी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वो डिस्क भी ऐसे ही करेंगे। डिस्क में बस एक चेंज आ जाएगा, यहाँ पर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? फिर हम डिस्क की थोड़ी देंगे, फिर डिस्क खत्म कर देंगे और उसके बाद सीधा गोस्लो करेंगे। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम गोस्लो से करेंगे, ठीक है? उसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि अगर मैं पूरा इंटीग्रेशन करवाने लग जाऊंगा तो। तो यहाँ तक तो हमारा ठीक है बच्चों, टन टन टना आ जाओ, तो यहाँ तक समझ जाएंगे। अब हम एक छोटे छोटे केसेस करते हैं सर। अगर ये वायर, अब ये न्यूमेरिकल आता है एग्जैक्टली, अगर ये वायर सेमी सर्कुलर वायर हो जाए, कैसी हो जाए बच्चों? सेमी सर्कुलर वायर, समझ रहे हो? क्लियर है क्या सबको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? yes, sir. किसी को समझ में नहीं आ रही हो मेरी बात तो पहले पूछो। अभी तो सर्कुलर वायर, सर्कुलर रिंग की बात कर रहे थे ना, अब मैं क्या कह रहा हूँ वायर कैसी हो जाए बच्चे? सेमी सर्कुलर। बोलो, हाँ ना, कैसी हो जाए वायर? सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर वायर हो जाए अगर तो क्या करोगे बताओ? फिर क्या करोगे? काट देते हैं, रुक जाओ। अब क्या करना है, क्वेश्चन तो सुन लो। इस वायर की वजह से इस ओ पॉइंट पर दिख रहा है, ये सेंटर पॉइंट बिल्कुल दिख रहा है क्या? इस ओ आपने लिखा पर कुछ क्या निकालनी है? स्क्रीन भाई नेटवर्क चेंज कर रखा है मैंने सर, अब हमारे यहाँ से कोई दिक्कत फिर होगी सर। सर हम नहीं कर रहे सर, सर हम बोल रहे हैं, नहीं दिख रही सर, सिर्फ सर्कल ही दिख रहा है आपने बनाया जो। जब हम पिछला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे थे तब भी हुई थी कॉल। अच्छा, पर इसमें नेटवर्क तो चेंज कर दिया मैंने। अब दिख रहा है क्या? नो सर, नो सर, मेरे को नो सर पता यहाँ कि मैंने तो सारी नेटवर्क चेंज करके देख लिया। आओ कोई बात नहीं, दोबारा कर देते हैं, हमारा टाइम भी बढ़ा और हमारा जो काम था वो भी लगभग हो गया। अब दिख रही है क्या? रुको, वेट करो। यस सर, सेंटर ओ पर क्या निकाली है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं तुम्हें बताता हूँ क्योंकि तुम फील्ड नहीं निकालना जानते, तो तुम क्या निकाल लो, सीधा फोर्स निकाल लो। सेंटर पॉइंट पर क्या लिख दो? एक चार्ज क्यू नॉट। क्लियर है क्या? क्लियर है सबको क्वेश्चन में? यस सर। सर अब सेमी सर्कुलर वायर की वजह से क्यू नोट पर हमने फोर्स निकालनी है। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर होगा कि तुम कैसे करोगे इस। तुम्हारे को मैंने टाइम दिया, करो, 3 मिनट 4 मिनट का टाइम है। आज थोड़ा सा हम ज्यादा रुकेंगे, 7:15 पे होती है ना नेक्स्ट क्लास। हम आज 7:10 तक छोड़ेंगे तुम्हें। 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तुम्हें दिए सोचने के लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। फिर मैं एक केस ड्राइव करवाऊंगा जिससे ये सारे केसेस हो जाएंगे। ये सेमी सर्कुलर वायर हो, इसका इस सेमी सर्कुलर का कुछ भी हो, जब तक एज लॉन्ग एज एंगल गिवन हो मेरे, तो हम उसका एक ही फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, वो 5-7 मिनट का होगा। पर ये क्वेश्चन पहले तुम करने की कोशिश करो फटाफट। बोलो भाई, कोई कुछ कहना चाह रहा है? बस चार्ज ज्यादा कर देंगे, बाकी सेम ही होगा।
बच्चे थोड़ा सा देखो ना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर होती तो हम देख भी लेते, सबकी डायरेक्शन भी थोड़ा सा चेंज का। चलो देखते हैं, क्या पता आंसर सही भी आए तुम्हारा, अभी चेक करेंगे। ठीक है, क्या पता सही भी बोल रहे हो केशव, क्या पता वो भी हो जाए, है ना। लेकिन हम अप्रोच वो नहीं रखेंगे अभी फिलहाल, करके देखो ट्राई। क्या करोगे, पहले एक एलिमेंट काटोगे, उसकी वजह से देखो, फिर दूसरे की वजह से देखो, करने की कोशिश करो पहले फटाफट। 2 मिनट का टाइम दिया, 3 मिनट का दिया, देखो 7:52 हुई है, सॉरी 6:52 हुई है, 6:55 तक, 1 2 3 स्टार्ट हो जाओ। एड्रेस कर देना भाई, देना भाई जिसका हो जाए, पूरा सॉल्व ना हो एक आधा क्वेश्चन भी चलेगा। रिंग की रेडियस देने की जरूरत है क्या, तुम अपने आप ही मान लो भाई आर है, ठीक है आर मान लेना इसको। हाँ भाई, किसी का हैंड रेज हुआ, हम प्रकट हो गए, बताओ बताओ। दिव्यांशु, दिव्यांशु आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर, आ रही है। हाँ दिव्यांशु, yes, आपने हैंड रेज किया, हम तभी आए हैं, बताओ। यस सर, बताओ क्या कहना चाहते हो सर? हो गया सर। हाँ बताओ फिर, बताओ बताओ, हम बैठे तो इसलिए हैं, बताओ कैसे किया, बताओ अप्रोच थोड़ा बहुत। सर पहले डी क्यू चार्ज लेंगे, कहां पर लूं? स्ट्रेट सामने, स्ट्रेट से यहां से रैंकल थीटा पर, कहां मतलब यहां ऐसे ऐसे कह रहे हो क्या? सर थोड़ा डिस्टेंस भी लेंगे सर, डीएल मतलब ऐसा कहना चाह रहे हो, ये चार्ज काटा है ऐसे ऐसा? यस सर। ठीक है, सबने ऐसा ही काटा है क्या? यस सर। एक बात है बच्चों, सब सब यही दिमाग में रखा करो, ऐसे ही काटना होता है हमें। ये डी क्यू चार्ज काटा मैंने, ठीक है। अब इसकी लेंथ बताने के लिए मेरे को ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि ये डी क्यू चार्ज काटा कहाँ। अगर भाई स्ट्रेट वायर होती तो मैं ये बता देता ना डी क्यू चार्ज कहाँ काटा मैंने, इससे डी जेड, इससे जेड डिस्टेंस ऊपर ओरिजिन से मैंने एक चार्ज काटा, ऐसे दिखाते थे ना स्ट्रेट वायर में। और अभी जो हमने किया है बिल्कुल अभी वाला, इसमें तुम कह सकते हो कि मैंने यहाँ पर काटा है इस एंगल पर, और ये भी अगर चाहो तो तुम कह सकते हो कि मैंने सेंटर से, जब सेंटर के अपोजिट काटा ना, तो इसलिए डी फाइव बोल दिया सीधा। अब इसमें कैसे बताओगी कि कहां पर काटा है डी क्यू? तुम कहो सेंटर से थीटा एंगल ऊपर मैंने डी क्यू चार्ज काटा है, क्लियर है क्या? सेंटर से थीटा एंगल ऊपर चले जाओ, वहां पर मैंने डी क्यू चार्ज काटा है, और ये कितने कितनी लेंथ तक फैला हुआ है वो तुम्हें पता ही है सर, कैसे करते हो उसके लिए? ये डी फाई एंगल बनाते हो, याद आया क्या? ये डी फाई एंगल, बोलो राइट और रॉन्ग, पिछले वाला ही काम किया देखो बिल्कुल। ये डी फाई एंगल काटा था, डी क्यू चार्ज काटा था डी फाई एंगल पर, सेम वही किया,
डी क्यू चार्ज काटा है डी फाई एंगल पर, क्लियर है? यस सर। इसकी वजह से क्या देखूं अब, इसकी वजह से क्या देखूं आ? बोलो देखेंगे सर, फोर्स, फोर्स देखो क्यू नोट पर कहां होगी बताओ, कुछ इस डायरेक्शन में। यस सर, ठीक है। अब एक और एलिमेंट काटूं आ गया, अगर हो सकता है तो दूसरा एलिमेंट काट के देखूं, फिर उसकी वजह से फोर्स देखूं, फिर देख क्या देखूं उसके बाद कि कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है और कौन सा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये एज एन होमवर्क करेंगे हम सब, अपने दिमाग से करके आएंगे, करके आएंगे क्या इसको सोल्व? यस सर। हाँ अब हम एक केस करेंगे फटाफट, ठीक है? वो केस क्या है वो ये रहा, ये होमवर्क है, ध्यान रखना, मैंने सब कुछ बता दिया, बस एक ये चीज ध्यान रखनी थी तुमने, थीटा एंगल दूर। अब एक केस ये है, दिख रहा है क्या? यस सर। आइसक्रीम दिख रही है? यस सर। यस सर। तो ये एंगल हो गया हमारे पास सपोज करो अल्फा, ठीक है, ये एंगल हो गया हमारे पास, ये हमारे पास केस है बच्चे। अगर पूरा हो जाएगा अभी तो कर देंगे, वरना कल करेंगे इसको, कोई बात नहीं। 10 मिनट सर अभी। हाँ हाँ कोशिश तो करेंगे हम। तो देखो अब ये एक आर्क है, ये डॉटेड आर्क देख रहे हो? एक्चुअल में ये फिगर सिर्फ इतनी है, एक्चुअल में ये फिगर सिर्फ इतनी है, इसकी वजह से किसी एक ओ पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स, अभी क्यू नोट रख देता हूँ, तो क्यू नोट वाली जगह पर फोर्स निकालनी है इस आर्क की वजह से। ये आर्क भी कैसी है सर? अब ये सेमी सर्कुलर नहीं है, पहली बात याद रखना, क्लियर है क्या? ये बात याद रखना कि मैंने सेमी सर्कुलर नहीं बनाई, तुम ऐसे मान सकते हो इसको, ऐसे मान सकते हो, तुम थोड़ा सा ऐसे मान लो, सेमी सर्कुलर होता ना ये वाला पोर्शन, सेमी सर्कुलर होता तो मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा व्यस्त होती है और कम व्यस्त होती है, क्या कह रहे हो सर? ये ज्यादा व्यस्त होती है सेमी सर्कुलर सर, कम व्यस्त। बिल्कुल, मान लो ये अगर सेमी सर्कुलर था बच्चे, तो मैं सिर्फ इस पोर्शन को हटा दूं, अब ये सेमी सर्कुलर रहा क्या बताओ? नो सर। तो तुम ये बोन मान सकते हो? नहीं सर। हाँ तो तुम ये मान सकते हो कि अब ये वाला पॉइंट है सिर्फ इतना, इतना पोर्शन है, इसकी वजह से हमने किसी Q नोट पॉइंट पर फोर्स देख ली, क्लियर है क्या? Q नोट चार्ज फोर्स। हाँ सर। अब कैसे करेंगे सर? वही डिस्ट्रीब्यूशन तो वही है ना सर, पॉजिटिव 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 मान के चल रहे हो, टन 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 टन। चलो Q नोट पर क्या देखना है? फोर्स देखनी है। वही सब करूंगा क्या सर? पहले क्या करूंगा? पहले काटना चार्ज, चार्ज काट देते हैं सर। अब सेंड, अब कहां से काटू? सपोज करो मैंने चार्ज यहां काटा, ये yes. वो ये चार्ज काटा सर। अब कैसे बताऊं सेंटर से कितनी दूर, क्योंकि ये एक्सिस तो गिवन ही नहीं है, तो मैं वर्टिकल एक्सिस से ले लूंगा सेंटर से, ये एक्सिस ऐसे ले सकता हूं ना, ये एक्सिस, ये एंगल अगर थीटा है yes, तो कह दूंगा इससे कितने एंगल पे दूर काटा है, थीटा एंगल दूर काटा है। हाँ समझ में आ रहा है ना सबको? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को, ऐसे ही यहाँ पर भी काट के दिखा दूं मैं। तो ये सेंटर से माना, ऐसे बोला ये सेंटर का भाई, सेंटर से कितनी ऊपर चले गए तुम, सपोज करो थीटा एंगल ऊपर चले गए और तुमने एक एलिमेंट काटा ये, इसका नाम है डी क्यू और इसकी वजह से तुम फोर्स देख लो, इसको थोड़ा सा बना दो। अभी डी क्यू की लेंथ निकालने के लिए यहाँ पर मैंने एक एंगल डिफाइन किया जिसको क्या बोलता हूँ हमेशा, डी फाई बोलता हूँ, वेरी गुड। तो डी फाई एक एंगल डिफाइन कर दो सर, ये आप टेढ़ी लाइन बहुत लगा रहे हो सर, क्या है? बन गई तो बन गई अब, ठीक है। ये एंगल कितना है बच्चे? डी फाई, क्लियर है क्या? yes. देख लो, किसी को कोई डाउट है? मैंने वही सब किया है क्या अभी भी? अब बढ़िया, ठीक है। क्या किया मैंने, ये एक्चुअल में ये मेरा डी क्यू है बच्चे, और ये एंगल कितना बन रहा है बच्चे मेरा, कितना बन रहा है ये एंगल? डी फाई बन रहा है, और ये रेडियस है भाई आर आर, क्लियर है? डन सर। और थोड़ा सा लार्ज करके देखना चाहो तो ऐसा काटा हुआ, ये एंगल कितना है?
डी फाइव और ये क्या है डी क्यू। क्लियर है? कितनी बार दिखा दिया? अब तो क्लियर हो जाएगा। यस सर। अच्छा अब बस वही, इसकी वजह से फोर्स देखो कहां पर होगी, डी क्यू की वजह से अपने से दूर फेंकेगा इधर कहीं, राइट। अच्छा अगर ये एफ है और इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखूं, अगर इस क्यू नोट को एक बार हटा दे, अगर हम तंग कर रहा है इसको, मैं पीछे की तरफ खींचू, ध्यान से देखना, डरना नहीं है किसी भी क्वेश्चन से, आसान है। ये थीटा है तो ये भी कितना होगा सर? थीटा। इसके दो कंपोनेंट होंगे इस एफ के, ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? एफ कोस थीटा। एफ कोस थीटा। ये वाला एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? अब अगर मैं इसी को इसमें दिखाऊं तो इसमें भी ऐसा ही होगा सर, एक एफ कोस थीटा एफ साइन थीटा। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो पहले मुझे बताए प्लीज। नो सर। नो सर। क्लियर है? नो सर। यस सर। अब दूसरा एलिमेंट काट सकता हूँ क्या? देखो पहले तुम फटाफट, मैं गायब हो गया क्या बच्चों? यस सर गायब हो। यस सर। कोई बात नहीं, तुम वो करो पहले एफ कोस थीटा और एफ साइन। अब दूसरा एलिमेंट काट सकता हूँ क्या? नहीं सर, इसकी सिमेट्री में ही काट। काटो फिर फटाफट काटो। काटो काटो फटाफट काटो। यहाँ काट दू क्या हमेशा की तरह? इसकी वजह से भी दो यहाँ पे भी सर। हाँ इसकी वजह से भी यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। वेरी गुड बच्चे, इसके अंदर क्या कैंसिल हो रहा है सर? ये अगर थीटा है, अगर ये भी थीटा तो वो भी थीटा होगा, तो इसके भी दो कंपोनेंट एफ साइन थीटा और एफ कोस थीटा। अलग अलग लाइन इसलिए पता लग जाए दो कंपोनेंट है, तो एफ साइन थीटा से एफ साइन थीटा मर गया, क्या रह गया सिर्फ एफ कोस थीटा। तो बस अब एफ नेट क्या निकालूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ कोस थीटा। वेरी गुड। एफ कोस थीटा की जगह मैं लिखूं अगर डी एफ कोस थीटा, तो कोई बच्चा मेरे को लड़ेगा क्या? नो सर। तो ठीक है डी एफ कोस थीटा। अच्छा अगर मैं एक चीज अब डिफाइन कर रहा हूँ, नहीं ध्यान से देखना क्यों डिफाइन कर रहा हूँ, वो तुम्हें बाद में पता लगेगा। एक सेकेंड, ये डिफाइन करो नया एंगल, एक एंड से दूसरे एंड तक का एंगल मैं डिफाइन कर लेता हूँ, इसको अल्फा बोल दो। बुक्स में तुम्हें अल्फा ही दिखेगा इसलिए अल्फा। हाँ बताओ क्वेश्चन पूछो। कौन पूछ रहा था? केशव पूछ रहा था क्या सर? यहाँ पर सर एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा कैंसिल हो रहे हैं, बट सर एफ कोस थीटा ऐड भी हो रहे हैं, तो हमने 2f cos थीटा क्यों नहीं लिखा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। 2f cos थीटा भी लिख सकते हो उस, हाँ देखो जब तुमने एफ कोस थीटा लिखा ना बच्चे, मैं इसको इससे कराऊं तो अगर इस वाले में तुमने ये क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहिए था, रिंग में भी तो ऐसा ही हो रहा था ना? Yes. रिंग में क्या कौन से कंपोनेंट हो रहे थे? कोस थीटा वाले ना, कोस थीटा वाले ऐड हो रहे थे ना, तो इसमें भी साइन थीटा कैंसिल हो रहे थे। Yes. तो यहाँ पर एफ कोस थीटा की जगह तुमने 2df cos थीटा क्यों नहीं लिखा? कर सकते थे सर, बिल्कुल कर सकते थे, बस लिमिट चेंज हो जाती बच्चे। df cos थीटा मैंने इंटीग्रेट किया तो मैंने पूरी रिंग के लिए देखा ना, फिर पूरी रिंग के लिए देखा ना, लिमिट डाली कहां से कहां? 0 टू 2। हां अगर तुम 2df cos थीटा लिखते तो क्या, 2df cos थीटा का मतलब क्या है? 2df cos थीटा कब आता है? जब तुम एक बारी में कितने एलिमेंट कवर कर रहे हो? दो एलिमेंट। तो अगर जब ये वाला एलिमेंट कवर कर रहे हो तो ये वाला कवर हो रहा है, ये वाला करोगे तो ये वाला अपने आप हो जाएगा क्या? ये वाला करोगे तो ये वाला भी कवर हो जाएगा, ये कवर करोगे तो ये कवर, तो तुम सिर्फ रिंग का आधा चलोगे, पूरी रिंग अपने आप कवर हो जाएगी, क्योंकि एक बार में हाँ फिर लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से 2π की जगह 0 से π बोलो पाई हो जाएगी। क्यों? तुम तो सिर्फ आधा चले हो, नीचे वाले एलिमेंट अपने आप कवर हो रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक बारी में कितने एलिमेंट कवर हो रहे हैं? 2। तो फिर लिमिट का फर्क आ जाएगा, लेकिन हमने अभी सिर्फ एफ डी एफ कोस थीटा लिया, 2df cos थीटा ले लिया, तो मैं पूरी रिंग चल रहा हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने पूरी रिंग चलवाई है। ये चीजें हम क्वेश्चंस में डिस्कस करते हैं, बट अच्छा है अगर किसी ने पूछ लिया तो। क्लियर है? यस सर।
यस सर यस सर यस सर चलो अब यहाँ पर आओ df cos थीटा का मैं क्या कर रहा हूँ इंटीग्रेट कर रहा हूँ f net इंटीग्रेशन अब df की वैल्यू निकाल दो फटाफट फिर छुट्टी करते हैं भाई टाइम हो रहा है df की वैल्यू फटाओ a q q नॉट अपॉन q नॉट में अब क्या लिखोगे बताओ dq से उसका चार्ज का डिस्टेंस कितना है q नॉट का ये डिस्टेंस कितना है भाई अरे भाई ये डिस्टेंस कितना ये आर ये भी क्या होगा बच्चे सारे डिस्टेंस रेडियस नहीं है क्या रेडियस सारे ए डी क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर साथ में क्या है सर कोस का थीटा है ना थीटा अब डी क्यू की जगह पुट करूंगा मैं बार बार नहीं बताने वाला लैम्डा होता है डी क्यू बाई डी एल और अब डी क्यू बाई डी एल की जगह क्या लिखता था हमेशा मैंने बताया हुआ है आर डी हाँ हाँ सही बोलो यहाँ से भी देख सकते क्या होता है आर डी फाइव तो डी क्यू की जगह क्या लिख दूंगा लैम्डा इंटू आर डी फाइव कर दो भाई डी एफ की जगह क्या लिखना था एफ नेट की जगह आ जाएगा डी एफ की जगह आ जाएगा के डी क्यू की जगह क्या पुट किया बच्चे बोलो साथ साथ लैम्डा आर डी फाइव साथ में है क्यू नॉट कोस थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर भाई जो चीज कांस्टेंट है कांस्टेंट वही रहने वाली है डी और वेरिएबल वही रहने वाला है डी फाइव बाकी सब तो देख लो कांस्टेंट ही है के बाहर ले लो लैम्डा बाहर ले लो एक आर से एक आर कट गया तो आर भी बाहर आ गया क्या यस सर हाँ अंदर क्या रह जाएगा क्यू नोट भी कांस्टेंट है कोस थीटा की वैल्यू क्या पुट करूं फटाफट देख के बता दो आंसर में कोस थीटा क्या पुट करें अब क्या कोस थीटा कांस्टेंट है सोच के बोलेंगे सब सब सोच नो सर अब फिर क्या करें सर अब अगर कोस थीटा कांस्टेंट नहीं है तो क्या करें अब मैं कंफ्यूज हो गया क्या करें सर अगर कोस थीटा कांस्टेंट नहीं है तो दिमाग लगाने वाली बात है टाइम हो चुका है इसको हम कल ही करेंगे कोई बात नहीं बट तुम सोच लो जिसको जिसको एक एक मिनट लग रहा है पास है वो सोचो अगर कोस थीटा कांस्टेंट नहीं है तो क्या करूं मैं फोन किसी का फोन तुम्हारा फोन अब यहाँ पर एक बहुत खास चीज तुम्हें नोटिस करनी पड़ेगी बच्चे सर कांस्टेंट बना सकते हैं इसको बनाओ चलो पहले तुम अपने हिसाब से बताओ मैं इसके अंदर एक मॉडिफिकेशन करवाऊंगा तुम्हें जो हमने पिछले वाले में नहीं करी थी इसमें करनी पड़ेगी वो दिखाऊंगा तुम्हें ठीक है बस छोटी सी मॉडिफिकेशन है अभी समझ में आएगा क्यों है पहले तो तुम सोचो और क्या टाइम हो गया नहीं 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 14 पे नहीं जाएंगे मैं वो वाले बच्चों के मैसेज आ जाएंगे फटाफट की भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ अल्फा एंगल बताओ चलो हम पीछे चलते हैं एक बारी वो मॉडिफिकेशन याद दिलाता हूँ तुम्हें ये किया था ना सबने बोलो 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 यस सर बताओ यहाँ पर मैंने इस चीज को डी फाइव बोला था बच्चे ये जान करके हो रहा है ध्यान रखना ये डी फाइव लिया था मैंने यस सर ये एंगल लिया था सर तो ये एंगल कुछ अलग चीज कवर कर रहा है ना ये एंगल तो ये वाला पोर्शन कवर कर रहा है ना ये डी फाइव ये वाला चीज ये वाली चीज डी फाइव चेंज कर रहा हूँ तो कभी एलिमेंट यहाँ आ रहा है कभी 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 यहाँ आ रहा है राइट ठीक है और वो ऊपर वो जो ऊपर थीटा दिख रहा है इसमें वो क्या कवर कर रहा है वो क्या बता रहा है मुझे रेडियस वो मुझे क्या बता रहा है मेरा जो डी क्यू चार्ज है वो क्यू नोट से कितने एंगल पर ऐसे ही कुछ बता रहा है वर्टिकल के साथ कितने एंगल पर है या ऐसे बोल दो वर्टिकली वो क्या चेंज वो क्या कवर कर रहा है सर अगर थीटा की वैल्यू ये ऊपर वाली चीज बता रहा है क्यू नोट कहां पर है मेरा राइट तो क्या मेरे को मैं मेन चीज जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये है क्या थीटा और फाई दोनों सेम एक्सिस की बात कर रहे हैं क्या मतलब दोनों सेम चीजें कवर कर रहे हैं या अलग अलग चीजें कवर कर रहे हैं अलग अलग
अलग अलग, इसलिए मैंने दो चीजें अलग अलग लिखी, एक जगह फाई लिखा, एक जगह क्या लिखा, थीटा लिखा, ठीक है। अगर मैं सपोज करो बच्चे, अगर मैं सिर्फ जेड एक्सिस पर, जेड एक्सिस ये मेरी रिंग है और ये मैं जेड रिंग कह रहा हूँ, ये मेरी रोड है, जेड एक्सिस है, तो यहाँ पर मैं कोई भी डिस्टेंस चलूंगा वो किसकी फॉर्म में चलूंगा, जेड की फॉर्म में चलूंगा ना। सपोज करो आधा चलाऊं तो बोल दूंगा जेड बाई टू, आधा नीचे पूरा चलाऊं तो बोल दूंगा जेड, और थ्री बाई टू चलाऊं तो बोल दूंगा थ्री जेड बाई टू, ऐसा बोलता हूँ ना। तो सारे फॉर्म किसकी किसकी फॉर्म में होंगे, सारे डिस्टेंस जेड की फॉर्म। अगर अगर मेरे पास दो एक्सिस हो, एक जेड हो एक वाई हो, सपोज करो ये एक्स है ये जेड है, तो मेरे को बताओ एक बारी, तो क्या मैं x में चलूंगा तो भी क्या मैं z की फॉर्म में लिखूंगा या x की फॉर्म में लिखूंगा? यहाँ पर ऊपर चलूंगा तो z की फॉर्म में, और बीच में चलूंगा तो वो अलग बात है। आओ अब यहाँ पर यही चीज देखना, यहाँ पर भी सर, अब यहाँ पर भी थोड़ा सा देख के करना है तुम्हें। अभी ये मॉडिफिकेशन तुम अपने आप करोगे, इधर आ जाओ। लेकिन सर इधर डी फाई और थीटा दोनों सेम काम नहीं कर रहे, देखो d फाई इधर देख लो, इधर भी समझ में आ रहा है क्या? d फाई और d थीटा यहाँ पर सेम काम नहीं कर रहे, d फाई और थीटा। यस सर। अगर मैं थीटा चेंज कर रहा हूँ तो d फाई भी उसी उसी उस मतलब थीटा क्या बता रहा है कि मेरा ओरिजिन से या सेंट इस हॉरिजॉन्टल लाइन से q कितने पॉइंट पर दूर है। d फाई थीटा मेरा ऐसे वेरी हो रहा है ना, देखो थीटा ये भी हो सकता है, थीटा मेरा ये भी हो सकता है, थीटा मेरा ये भी हो सकता है, देख लो दिख रहा है क्या सबको? और डी फाई को अगर मैं वेरी करवाऊं तो भी तो वो ऐसे ही वेरी हो रहा है ना। डी फाई क्या है, मेरा ऐसे वेरी हो रहा है, डी फाई मेरा ये भी हो सकता है, डी फाई मेरा ये भी हो रहा है। क्या ये सेम डायरेक्शन नहीं है सबकी? तो मैं यहाँ पर अगर थीटा लिख रहा हूँ और थीटा से थोड़ा सा आगे ही चलाऊं, देखो अगर ये जेड था, जेड से थोड़ा सा आगे चला था तो इस पोर्शन को क्या लिख देता था, डी जेड बोलता था ना। अब मैं थीटा से थोड़ा आगे चलाऊं तो इस पोर्शन को डी फाई लिखू या डी थीटा लिखू? डी थीटा। बस मॉडिफिकेशन है, याद रखना, मैं सिर्फ यही दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर हमने क्यों लिखा डी फाई अलग है, कि थीटा अलग जगह पर था, फाई अलग चीज कवर कर रहा था, इसलिए दो अलग अलग थीटा लिखे। यहाँ पर सेम लिखूंगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन, दोनों चीजें सेम चीजें कवर कर रही है। अच्छा यहाँ पर भी सेम है क्या, जो थीटा कवर कर रहा है वही डी फाई कवर कर रहा है, तो यहाँ पर भी डी फाई की जगह क्या लिख दूंगा बच्चे, डी थीटा। डी थीटा, बोलो 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 बोलो, क्योंकि थीटा ऐसे कवर कर रहा है, थीटा भी ऐसे चेंज हो रहा है और वर्टिकल के साथ, और डी फाई भी ऐसे ही चेंज हो रहा है, तो सेम बात है दोनों। तो जहां पर डी फाई की जगह क्या लिखूंगा, डी थीटा। थीटा में थोड़ा आगे बढ़ा तो क्या लिख दूंगा, डी थीटा। लेकिन मेरी पिछले वाले केस में मैं नहीं लिख सकता था, क्या मैं यहाँ पर थीटा में थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं क्या? नहीं सर, अलग अलग डायरेक्शन में, नहीं, नहीं, ये अलग ही चीज है, इसलिए सिर्फ इसको डी फाई बोला, इसलिए इस केस में दो एंगल लिए, उस केस में मैं अलग अलग एंगल ले रहा हूँ, क्लियर है क्या? अब यहाँ पर क्या मॉडिफिकेशन आएगी सर, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं आएगी सर। यहाँ पर तुमने लिखा डी क्यू आर डी फाई, वहां पर क्या लिख दोगे, डी क्यू लैम्डा इंटू आर डी फाई की जगह क्या लिख दोगे, डी थीटा। थीटा क्लियर है, मैं जान करके लिख रहा हूँ, यहाँ पर मिटा नहीं रहा इसको, क्या लिख रहा हूँ साथ में वर्ड, एक क्लियर है क्या सबको? अब तुम्हें पता लग जाएगा सारा आंसर मेरा थीटा की फॉर्म में आ रहा है और थीटा ही मेरा वेरिएबल है। आज सोच के आना, यहाँ पर भी डी थीटा है, मॉडिफिकेशन याद रखी जाएगी, एक बार ट्राई कल आते ही निपटा देंगे इनको, पांच मिनट का काम नहीं है, कर लेंगे ट्राई। Yes or no? Yes. किसी class को कोई डाउट है तो रुक जाओ, रुकोगे तो क्या, आप तो क्लास ही है भाई, है ना, हमारे पास जाने शुरू हो गए बच्चों के। बाय बाय सर। बाय बाय, ठीक है, क्वेश्चन एक बार रुक के, क्वेश्चन समझ में आया सबको, क्या है सबको, थम्स अप दे दो जिसको समझ में आ रहा है। यस सर, सर आ गया समझ। चलो सर ठीक है, ठीक है भाई, अब जा। बाय सर। Bye 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 bye